नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। महिलाओं के खिलाफ ज्यादती और महिला अत्याचार के मामले को लेकर मध्य प्रदेश की तस्वीर अच्छी नहीं है। एक खबर के अनुसार 4 साल में महिलाओं से बलात्कार के कुल 26,708 प्रकरण दर्ज हुए। इसी अवधि में नाबालिग अपहरण के कुल 27,827 प्रकरण एवं बालिग महिलाओं के अपहरण के कुल 854 प्रकरण दर्ज हुए। महिला अपराधों को लेकर पुलिस अफसर भी आरोपी बनाए गए। इनमें से 10 निरीक्षक, 9 उपनिरीक्षक, 6 सहायक उपनिरीक्षक एवं 4 प्रधान आरक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में भी आमतौर महिलाओं को ज्यादा सहनशील माना जाता है, मगर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर उनकी चुप्पी कभी कभार जानलेवा बन सकती है। ऐसी सहनशीलता देश और समाज के लिए खतरे की घंटी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की करीब 70% महिलाएं खुद पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कभी नहीं बताती और न ही कभी किसी से मदद मांगती। सर्वे की सूची में ऐसी महिलाओं की संख्या त्रिपुरा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, जो हर जुल्म सितम को चुपचाप सह लेती। इन राज्यों में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत 70% से ज्यादा है। वहीं असम, बिहार, मणिपुर, सिक्किम और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंसा सहने वाली महिलाओं की संख्या 80% से भी ज्यादा है। देश में 10% से कम ही महिलाएं ऐसी हैं जो खुद पर होने वाले अत्याचारों को लेकर दूसरों से मदद मांगती हैं। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां 10% से भी कम महिलाएं अपने ऊपर होने वाली हिंसा को लेकर मददगार तलाशते हैं। अध्ययन के दौरान हिंसा से पीड़ित महिलाओं ने बताया कि मदद के लिए वे सबसे पहले अपने परिजन, पति के परिवार, पड़ोसी, पुलिस वालों, वकील और धर्म गुरुओं तक की मदद लेती रही हैं। सर्वे में यह भी पता चला है कि महिलाएं सबसे ज्यादा आंखों पर चोट, हड्डियां टूटने, जले कटे और दांत तोड़े जाने जैसी हिंसा का शिकार होती हैं।